हिलाल बिन नाफिय, मिसाल अर्ज कर रहा हूं, हिलाल बिन नाफिय ने शब आशूर कहा इसी जुमले को कि इन्ना अला नियातिना व बसाइरना, हम अगर आए हैं तो अपने इरादे से आए हैं और हम अपनी बसीरत की बुनियाद पे आए हैं। जो शनाख्त हम रखते हैं अहले बैत की निस्बत, दीन की निस्बत, हम उसी वजह से, उसी बसीरत की वजह से आए हैं, उसी शनाख्त और अकीदे की वजह से आए हैं। इन्ना अला नियातिना व बसाइरना, हम अपने इरादों पर हैं, हम अपनी बसीरतों और अपने ईमान और अकीदे पर हैं, हम किसी लालिश में नहीं आए। नवाली मन वाला इसी बसीरत की बुनियाद फरमाया, हम अपनी बसीरतों की वजह से आए हैं, किसी खौफ से नहीं आए, किसी लालिश से नहीं आए, हम अपने इरादे, अपने इरादे और इख्तियार से आए हैं। नवाली मन वाला, जो आपके दोस्त है हम उसके उसके साथ दोस्ती करें, वह नुआदी मन आता, जो भी आपसे दुश्मनी करे हम उसके साथ दुश्मनी करेंगे। हिलाल बिन नाफे जैसे अफराद मरहले फेहलियत तक पहुंच चुके थे, अमल की मंजिल तक आ चुके थे, हमें इसी मंजिल तक आना है, वो दुआ नहीं पढ़ रहे थे, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम महारुन लिमन हारमकुम नहीं पढ़ रहे थे, वो आबा अब्दुल्लाह हुसैन को बता रहे थे कि हम ऐसे हैं, न सिर्फ कह रहे हैं अभी, और वो थे और करके दिखाए उन्होंने मैदान करबला में कि जो आपके दो हम उनके दो, जो आपके दुश्मन दुश्मन कैसा खत्म है, दो जमा दो चार, वो इस मंजिल तक आ चुके। आबिस बिन शबी, आबिस बिन शबी कहता है कि हजरत रसूल से आया हुसैन से कि सलाम हो तुझ पर ए अबा अब्दुल्ला, खुदा को गवाह बनाता हूं कि मैं आपके और आपके वालिद के दीन पर हूं, गवाही दे रहा हूं कि मैं आपके दीन, 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 जो भी दीन आपका है, जो आपके वालिद का दीन है, आगे नहीं। तो अस्हाब हुसैन न सिर्फ इमाम शनास थे, इमाम शनास होना आधा तशय्य है, विलायत शनास होना आधा तशय्य और आधा ईमान है, दुश्मन शनाख्त जब तक न हो उस वक्त तक आपकी शनाख्त मुकम्मल नहीं है। करबला वाले एक तरफ विलायत शनाख्त और इमाम शनाख्त भी थे, दूसरी तरफ दुश्मन शनाख्त भी, कि हमारे असल दुश्मन कौन है, दुश्मन इमामत और विलायत कौन है, वो जानते थे, उसी बसीरत के साथ आए थे मैदान करबला में। जिनाब बुरैर करबला के हुसैनी सिपाहियों में, तनूरी शेरों में, विदाई शेरों में, आशुराई बन के गए हैं वो, करबलाई वहां जाकर नहीं बने हैं, यहां से बन के करबला गए हैं, तो फर्क है करबला जाने में और यहां से करबलाई बन कर करबला ईजाद करने के लिए जाने में, बहुत फर्क है। जनाबे बुरे दुश्मन के सिपाही से गुफ्तगू करते हैं और फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़ादनी फीकुम बसीरा, हम्द सिफात उस खुदा के लिए जिसने तुम दुश्मनों की निस्बत हमारी शनाख्त और मारिफत को बढ़ा दिया है, हमें पता है कि तुम कौन हो, ये मारिफत चाहिए। आज अगर उम्मत इस्लामिया का एक ग्रोह अगर मगलूब हो जाते हैं दुश्मनों के ग्रोह की गंदों में इस वजह से कि दुश्मनों की शनाख्त नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि इस्तेबारी ताकतें क्या करती हैं, तकफीरी ग्रोह क्या करते हैं, वो सिर्फ इन नमाजों पे खुश हैं, वो सिर्फ उन अजानों पे खुश हैं जो बगैर विलायत के हैं, जो सिर्फ फरियादे हैं अजाने नहीं, वो उन नमाजों पे खुश हैं जिसमें विलायत नहीं है, मोहब्बत अहले बैत नहीं है, मवद्दत अहले बैत नहीं है, ये उन्हीं नमाजों पे खुश है, अगर लाखों मुसलमानों का कत्ल भी करें क्योंकि ये नमाजें पढ़ते हैं यार मुसलमान है, गुमराह हो गए इस वजह से कि दुश्मन शनाख्त नहीं है, ये वही दुश्मन है, ये वही इब्ने मुलजमी दुश्मन है जो नमाज शब भी पढ़ते हैं और आते हैं खलीफा वक्त को कत्ल करने के लिए। इब्ने मुलजम क्या नमाज शब तहज्जुद गुजार, किसी का सहाबी होना भी मेरे याद नहीं, यही इब्ने मुलजम सहाबी आमिर उल मोमिनीन थे,
جانباز عامر المومنین تھے, ولائی تھے پہلے عاشق عامر المومنین. یا بارہ آپ نے سنا خدا عامر المومنین کی بول جام ابن بول جام بولا جی تو میرا قاتل ہے, فرمایا کہ میرے ان ہاتھوں کو کاٹ دیں ابھی سے, کہا ابھی جرم کیا نہیں میں کیسے کاٹوں. یہی شخص بعد میں کس لیے دشمن شناس نہیں ہے, نہیں معلوم علی کون تھا, علی کے دشمن علی سے محبت کرتے ہیں, علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, علی کے ساتھ کھاتے بھی جنگوں میں بھی شرکت کرتے ہیں, پھر بھی دشمن کی شناخت نہیں ہے. آقا امام حسن نے ان کی فوج نے کیوں پسماندگی پسپائی اختیار کی, دشمن شناخت نہ تھے. جنگ صفین نے آقا امیر المومنین کی فوج نے کیوں پسپائی اختیار کی, کیوں پیچھے ہٹی, اس لیے کہ جب دیکھا نیزوں پہ قرآن ہے کہا کہ ہم کیسے لڑے قرآن کے ساتھ, شناخت نہ ہونے کی وجہ سے. کبھی دشمن قرآن کو لے کر آتے ہیں آپ کے پاس تاکہ یہ دشمن کی طرف سے دھوکھا ہوتا ہے, فریب ہوتا ہے. ابھی انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ لڑو ان کے ساتھ, تم نہیں لڑتے. خوارج وہاں سے وجود میں آ گئے کہ عربی اور اموی کی جنگ ہے, دین کا اس سے کیا تعلق ہے, دین الگ ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح بنی امیہ والے لڑتے ہیں عربی والے بھی اسی لیے اسی حکومت کے لیے لڑتے ہیں. خوارج وجود میں آئے, دشمن شناس ہونا چاہیے. آج اگر کوئی بھی شیعہ نہیں جانتا کہ آج اس کا دشمن کون ہے, وہ شیعہ نہیں ہے, وہ صرف دسترخانی شیعہ ہے, نظری شیعہ ہے, خاندانی شیعہ ہے, لیکن علوی نہیں ہے, حسینی شیعہ نہیں ہے, مہدوی شیعہ نہیں ہے. خاندان ان کا شیعہ چلا رہا ہے, شیعہ ہے, دسترخانی شیعہ ہے, شیعوں کے دسترخان سے بیٹھ جاتے ہیں, نظر نیاز کھاتے ہیں, مجلسی ہیں, ماتمی سب کچھ, لیکن علوی نہیں ہے, حسینی نہیں ہے, کربلائی نہیں ہے,